हेलो, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट में कुछ सेकंड के लिए चला जाता है। तो हम ये बता रहे थे आपको कि सिर्फ हम समरी जो है समिप्स भी तो काउंट काउंट उंट भी तो निकालते हैं। अगर मुझे पता करना हो कि जो आईडी है, ये आईडी दिख रहा है, ये तो कोई डुप्लीकेट है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट कर देते हैं डुप्लीकेट। क्या अगर मुझे काउंट निकालना है कि सारे काउंट में ग्रेटर देन वन टाइम टू टाइम तो है नहीं, है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जस्ट काउंट इफ लगाते हैं। काउंट इफ इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, और इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर। तो इसमें नीचे तो जो जो एक बार है, जो मोर देन वन टाइम है, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो काउंट इफ से क्या होता है, हम पर्टिकुलर कॉलम में या पर्टिकुलर रेंज में एक किसी पर्टिकुलर कॉलम को काउंट करके दिखाता है। तो काउंट के सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम आपको काउंट के सारे फॉर्मूले दिखाते हैं। पहला आता है काउंट। काउंट क्या करता है कि सिलेक्टेड सेल में, सिलेक्टेड एरिया में कितने जगहों पे नंबर फिल है उसका काउंट करके दिखाता है। 11। अगर इसमें कोई टेक्स्ट आ गया, एबीसीडी आ गया, तो उसको कंसीडर नहीं करता, ठीक है। तो सिर्फ नंबर काउंट करता, याद रखिएगा, पूरा पूरा नंबर काउंट। एक होता है काउंट ए, मतलब काउंट ऑल, कि सिलेक्टेड एरिया में जितने भी, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो, फिल वैल्यू है, ब्लैंक से कंसिडर नहीं करता है, ब्लैंक से कंसिडर तो ए भी नहीं करता है, दोनों ब्लैंक से कंसिडर नहीं करता है। तो काउंट ए काउंट ऑल करता है सारे, चाहे नंबर हो, टेक्स्ट हो, डेट और टाइम, सब काउंट करता है। और एक आता है आपके पास काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, तो सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है कि सिलेक्टेड एरिया में कितना ऐसा जगह है जो कि ब्लैंक है, इसमें वैल्यू फिल नहीं है। तो काउंट के तीन फॉर्मूले थे जिसमें मैंने आपको बताया, काउंट काउंट है, काउंट ब्लैंक। इसमें जो कंडीशन है वो फिक्स है, लेकिन आपके खुद के कंडीशन हो, जैसे मुझे पता करना है कि रीजन में नॉर्थ कितना बड़ा आया है, तो यह हमारा अपना कंडीशन है, उसके लिए हम काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, नॉर्थ सेलेक्ट किया और एंटर। तो नॉर्थ जो है 3005 बार आ रखा है, तो हम किसकी मदद से ढूंढ लिया, काउंट इफ की मदद से। ठीक है मैम, समझ आएगा आपको। यही नहीं, अगर मुझे ये पता करना है ड्यूरेशन में, मतलब ये अगर मैं कॉपी करता हूँ, एक नई इसी पे ले आता हूँ पेस्ट, और मैंने इसको रिमूव डुप्लीकेट कर दिया डेटा में जाके, सारे डबल नंबर हट जाएंगे। अगर मुझे इसके सबके सामने इसका काउंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ, एरिया सेलेक्ट करेंगे और हम कंडीशन सेलेक्ट, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको कॉपी पेस्ट नीचे तक कर दीजिए, सारे आ गया। तो काउंट इफ की मदद से आप लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मुझे काउंट करना है कॉल ड्यूरेशन को, मुझे पता करना है कितने ऐसे कॉल्स है कि ग्रेटर देन 80 सेकेंड्स है, ठीक है, ग्रेटर देन 80 सेकेंड्स कितने कॉल्स है। इसके लिए हम काउंट इफ लगाएंगे, जस्ट लाइक सम इफ। तो काउंट इफ में ग्रेटर देन 80 सेलेक्ट कर लिया, या फिर अगर मुझे ग्रेटर देन 60 का पता करना है, ग्रेटर देन 70 पता करना है,
तो यहां पे लगाऊंगा मैं काउंट इफ, इसको सेलेक्ट किया कॉमा, और मैंने कन्वर्टर को कॉमा में लिख दिया ग्रेटर देन लगा के। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हमने संबित में किया था, इस तरह से। इस तरह से आप लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कंटेन था कि जैसे कि ये पता करना था कि जिस जिसके इसमें मतलब स्टार लगा दिया, स्टार एम स्टार, जिस जिसके नाम में एम है तो उस केस में हम भी हम काउंट इफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर कंटेन हो गया, अगर पहले हम एम लगा दें फिर स्टार लगाए तो हो जाएगा आपका स्टार्टिंग विथ स्टार एंड एम एंडिंग विथ। मैं चाहता हूँ चार डिजिट के कितने हैं, चार तीन डिजिट है चार डिजिट के, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए जो कि आपने समय में बताया था मैंने आपको, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मल्टीपल कंडीशन कि मुझे पता करना है कि प्रोडक्ट और कॉल ड्यूरेशन, तो लैपटॉप मैंने बोला इसमें ग्रेटर देन 80 कितने हैं काउंट, काउंट इन, तो काउंट भी यहां पे अपने लगाएंगे क्योंकि काउंट इफ सिर्फ एक कंडीशंस के लिए यूज की जाती है। आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो या मोर देन वन कंडीशंस हो उसके लिए हम काउंट इफ यूज करते हैं। सेम क्राइटेरिया रेंज मैंने लिया ए, क्राइटेरिया हमने ए लिया, देन क्राइटेरिया टू रेंज हमने ए लिया और क्राइटेरिया टू हमारा ए रहा, ठीक है। ऐसे दो तीन चार इस तरह से रखोगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो काउंट इफ और काउंट इफ दोनों समझ में आ गए। ऐसे हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला है, तो एवरेज फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपके सेल में एवरेज है तो एवरेज क्या करता है कि सम ऑफ द काउंट डिवाइड बाय काउंट, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइडेड काउंट ऑफ द वैल्यू, तो एवरेज आपके ही निकालता है। देखिए एक एवरेज, इसमें एवरेज के अंदर में जो एवरेज हमने लगा रखा है इसमें ट्रू एंड फॉल्स कंसीडर नहीं करते, ठीक है। टू और कॉर्स जो है कंसीडर हटा देता है, मतलब कि अभी क्या है कि सम कर रहा है आपका किससे 100 बाय 10, 12 नहीं है 100 बाय 10 ही है, ये दो अभी क्या टोटल 12 काउंट है तो 100 बाय 12 ही लिया, वही 12 10 भी लिया मैं 12 नहीं किया, मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर नहीं किया एवरेज। अगर हम एवरेज ए की बात करें तो एवरेज ये क्या करता है ट्रू एंड फॉल्स दोनों कंसीडर करता है, मतलब कि अब ये हो गया आपका कि 101 डिवाइड बाय 12, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें ट्रू एंड फॉल्स को कंसीडर करता है, ठीक है ना, ये फॉल्स को, हाँ इसमें फॉल्स जीरो, फॉल्स को जीरो समझता है और ट्रू को वन समझता है,
इसलिए 101 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। लेकिन अगर कंडीशंस के बिहाफ पे मुझे एवरेज लेना है, मुझे पता करना है कि नॉर्थ का टोटल एवरेज क्या है, एवरेज कॉल ड्यूरेशन कितनी है या एवरेज अपसेल कितना है, तो उस केस में हम यहां पे लगाते हैं एवरेज इफ। एवरेज इफ इसमें हम सिलेक्ट करते हैं रेंज कि सामी भी हमने सिलेक्ट किया था ना उस तरीके से कि यहां पे नॉर्थ कॉमा नॉर्थ ले लिया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज मतलब किसका एवरेज निकाला, तो एवरेज हमारा निकाला कॉल ड्यूरेशन का, तो 74.96, ठीक है। और एवरेज में आप जैसे कि यहां पे एवरेज लगा लीजिए, ठीक है। और इस तरह से आपको ग्रेटर देन लेस देन करना है तो आप एवरेज इफ के अंदर में डाल सकते हैं, जैसे आपने सम इफ काउंट इफ के अंदर में डाला है उसी तरीके से आप एवरेज इफ और एवरेज इफ में डाल सकते हैं। आपके पास अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो आप एवरेज इफ की जगह एवरेज इफ्स लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें तो गलत होगी, जैसे मैं एवरेज इफ में लगाया था ना कि पहले मुझे सम इफ में लगाया था कि पहले मुझे एवरेज रेंज देना होगा, किसका एवरेज निकालना, इसका एवरेज निकालना, देन क्राइटेरिया वन रेंज और ये आपका आ गया, ये आ गया क्राइटेरिया रेंज टू एंड क्राइटेरिया रेंज टू, तो इस तरीके से इसका यूज हम कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर आता है मैक्सिमम की बारी। मैक्सिमम तो समझते हैं कि मैक्सिमम किसी भी, जैसे कि मुझे पता करना है कि इसमें सबसे लंबी बातचीत कब हुई है, कितना देर की हुई है, तो उसके लिए हम मैक्स लगा देते हैं, एम ए एक्स मैक्स, तो इससे पता चलता है कि मैक्सिमम 106 सेकंड की बात हुई है। सेम मिनिमम की है, तो मिनिमम क्या होता है कि सबसे कम 46 सेकंड की बात हुई, लेकिन इसमें एक मैक्स ए और एक मिन है, तो मैक्स ए मिन की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा डेसिमल्स वाली वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हम मैक्स ए लेते हैं तो जैसे एवरेज ए था जो ट्रू फॉल्स कंडीशन नहीं करता है, तो मैक्स भी ट्रू फॉल्स को कंसीडर नहीं करता है, बट मैक्स ए ट्रू फॉल्स को कंसीडर करता है। अगर इसमें फॉल्स डालूं तो फॉल्स जीरो समझता है और ट्रू डालूं तो ट्रू को वन, देखिए यहां पे मैक्स वन आ गया, नहीं अल्फाबेट को नहीं मानता है, सिर्फ ट्रू फॉल्स को, सिस्टम क्या है ट्रू को वन समझता है, अगर दो ट्रू को आपस में सम कीजिए तो उसका रिजल्ट टू आएगा, ठीक है। इसलिए मैक्स ए ट्रू को वन समझता है, ऐसे ही मिन ए है हमारे पास, मिन ए क्या करता है मिनिमम वैल्यू, अगर मैं यहां पे फॉल्स दे दूं तो फॉल्स जीरो हो जाएगी, अरे मीन ए लगा दो जीरो जाएगा क्योंकि फॉल्स है इसमें, ठीक है। उसके बाद आती है बारी टॉप बॉटम की। अगर मुझे इसमें से टॉप फाइव के सेलर निकालने हैं तो 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम क्या करता है कि सबसे मैक्सिमम नंबर होता है वो निकाल देता है, ठीक है।
देखिए अगर मुझे मैक्सिमम पहला देन मैक्सिमम दूसरा फिर तीसरा चौथा निकालना है तो उस केस में हम लगाते हैं लार्ज फॉर्मूला। लार्ज हमें नंबर सिलेक्ट के लिए जहां से लार्ज लेना है और किसका पहला लार्ज। ठीक है 300 तो दिखा दिया लार्ज, लेकिन 360 काफी बार रिपीटेड है इसलिए आ गया, आपको दो बार रिपीट होकर आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर 365 डाल दूं तो 365 56 था सॉरी 365 आ गया। ठीक है ऐसे में अगर हम स्मॉल की बात करें कि मुझे बॉटम से चाहिए तो जैसे हम टॉप के लार्ज लगाए थे ऐसे हम यहां पे स्मॉल लगाएंगे लोअर के लिए। ठीक है ठीक है सब जीरो ऐसे ब्लैंक्स थे जीरो थे इसलिए आया, पांच बार जीरो ही है। अगर मैं यहां पे -10 लिख दूं तो माइनस वाला पहले आ जाएगा। ठीक है तो यहां भी इस काम यूज करते हैं। अब सेम इसी तरह से अगर आपको रैंक मुझे पता करना है कि 290 का क्या रैंक, हाँ तो आप जैसे आप 465 पे जगह पे नाम चाहते हैं हाँ तो इसका वीलुकअप लगा, वीलुकअप लगा लीजिए इसी में तो आपको काम कर लेना पड़ेगा। वीलुकअप नहीं इसमें नहीं हो, इसमें सिर्फ नंबर दिखाएगा आपको। 365 का ढूंढ ले लीजिए इसमें। ठीक है अब मुझे पता करना है 290 का रैंक क्या है तो उसके लिए हम रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे। रैंक रैंक नंबर 200 नंबर का ढूंढना है किसके अंदर में, इसके अंदर में बढ़ते हुए घटते हुए में, जीरो कर दो तो बढ़ते घटते हुए में और वन कर दो तो बढ़ते हुए में। ठीक है एज मन में हेलो बेसिकली इसने बताया कि 267 पोजीशन के बाद 267 है बढ़ते घटते हुए में, मतलब ऊपर से अगर मान लो ना इसमें कि अगर 1 से लेकर 99 तक नंबर है मुझे पता करना है कि 99 का कितना पोजीशन है तो रैंक फॉर्मूले से 2 आए। मैं बताता हूँ हाँ जैसे कि चार आपके पास पोजीशंस थे तो आपने नंबर निकाल लिया ना लास्ट फॉर्मूले से। अगर आपके पास नंबर है और आपको रैंक निकालना हो ए वाली तो इसके लिए रैंक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कल की क्लास में हम आपको बताएंगे इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला। ठीक है अब 2-3 क्लास बच गई है फॉर्मूले की, उसके बाद एडवांस फॉर्मूले कंसेप्ट स्टार्ट होंगे आपके, तो इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से कीजिए। रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर देता हूँ, मिल जाएगी मेरी वेबसाइट से।